नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। वेलकम बैक टू द इंडियंस फैमिली न्यू के ब्लॉग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। और आज है नवरात्रि का पहला दिन और ये चैत्रीय नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी सबके जीवन में कल्याण करें, सबका जीवन मंगलमय हो, बस इसी आशा के साथ आज का ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। और आज है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से चैत्र से हम लोगों का नौ वर्ष भी शुरू होता है, तो नौ वर्ष की ढेर सारी आप सभी को शुभकामनाएं। तो पूजा की सब तैयारी आज की हो चुकी है और पहला दिन होता है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। सुबह जॉब से आने के बाद सब साफ़ सफाई, तो वैसे तो एक दिन पहले ही कर दिया था, पूरे घर में साफ सफाई ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन एक बार फिर से झाड़ू पोछा सुबह लगा दिया है। माता जी का चौकी भी ठाल दिया है और माता जी को भी ठाल दिया। अब जो है भोग बनाने जा रही हूँ, भोग बना के फिर जोत जला के उनका पाठ सप्तशती का पाठ हाथ से मैं उठाऊँगी और उसके बाद जैसे जैसे होगा आपके साथ शेयर करूँगी। आप लोग बताइएगा कि जो है आप लोग चैत्री नवरात्रि कैसे रहते हैं। और हम तो हमेशा आपके साथ शेयर करते हैं। लास्ट टाइम भी मैंने अपना पूरा 9 दिन 10 दिन का ब्लॉग शेयर किया था नवरात्रि में। और हाँ, आज हमारे मंदिर को जो हमने स्थापना करी थी 1 साल पूरा हो जाएगा। तो यस, आज जो है पूरा 1 साल हमारा मंदिर जो है की स्थापना हुए हो जाएगा। हमने यही नवरात्रि में ही स्थापना करी थी मंदिर की। तो आज जो है भोग में बनाने जा रही हूँ नारियल का खोए, मावा और नारियल का लड्डू। तो जल्दी से वही बन पाएगा, जल्दी से बना लेती हूँ फिर भोग लगाती हूँ। और यस, मेरा 9 दिन का व्रत है और मैं 9 दिन का व्रत ये वाली भी रहती हूँ, शारदीय वाला भी रहती हूँ। बच्चे आज हैं व्रत, प्रियंका शिवांश हैं, छोटे वाले नहीं है, वो क्या जाने व्रत अभी। तो बच्चों को रखवाया है और हम दोनों लोग हैं, इनके पापा हैं। और यस, पापा इनके जो है 9 दिन नहीं रहते हैं, सिर्फ मैं रहती हूँ 9 दिन का व्रत। तो मेरा ही पूरा 9 दिन का चलता है, ये लोग पहला और आखिरी रहते हैं। तो आप लोग बताइए कि कौन है, मतलब किस किस जगह पे लोग ये चैत्री नवरात्रि भी रहते हैं पूरा 9 दिन का। कहीं कहीं लोग रहते हैं, कहीं कहीं शारदीय वाला रहते हैं। तो इसमें कुछ नहीं है, मैं बचपन से रहती आई हूँ तो मैंने कभी बंद नहीं किया। तो इस तो मैं तो दोनों रहती हूँ, तो इसी वजह से मैं पहला और आखिरी, बच्चे पहला और आखिरी रहेंगे। आखिरी का नहीं कह सकती क्योंकि स्कूल डे है उस दिन, बट देखूँगी। लेकिन आज तो खैर है ही और इनके पापा भी आज हैं। चलिए पहले जल्दी से भोग बनाती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। चलिए, तो यहाँ मैं लड्डू के लिए खोया बना रही हूँ। पहले खोया बना लूँगी, तब तक थोड़ा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद जो है कोकोनट इसमें मिला देंगे। बहुत जल्दी ये लड्डू बन जाता है, इसका बर्फी भी काट सकते हैं और लड्डू भी बना सकते हैं। मैंने बर्फी नहीं काटा है, मैंने लड्डू बनाया है। और बस यहाँ कोकोनट को जो, क्योंकि मेरा वाला जो डेसिकेटेड कोकोनट है वो थोड़ा उसको और फाइन किया है मैंने, हल्का सा वो दरदरा है उसको और जो है फाइन कर लिया। और ये देखिए खोया हमारा रेडी हो गया है और अभी मतलब इतना गर्म है कि इसी में मैं नारियल डाल दूँगी जब, तो वो भी भुन जाएगा। और गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल सिम पर करा है इस टाइम पर, और अभी जैसे ही इसको डालूंगी उसके गर्मी से ही ये भुनने लग जाएगा। और इसको बहुत ज़्यादा आँच पर भुनने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए मैंने गैस भी बंद कर दिया, आपको दिखा रही थी। इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए और मैया को, माता रानी को जो है कहते हैं कि नारियल बहुत पसंद है और नारियल का लड्डू भी। तो लड्डू हो, पेड़ा हो, बर्फी हो, कुछ भी आप बना सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ इलायची डाला है, ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं। हमें मिठाइयों में पसंद आता है तो हम डाल देते हैं। और यहाँ शुगर को भी मैंने फाइन कर लिया है बिल्कुल से, भुर्रा वाला यानी कि एकदम से फाइन वाला बना लिया है। और एकदम ठंडा हो जाने पर ही चीनी मिलाना है ताकि जो है ये लिक्विडी फॉर्म में ना आए।
तो बस इसमें चीनी शामिल कर दिया और उसके बाद ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पे इसी में जो है कोटिंग कर दिया है नारियल का ऊपर से, ताकि लगे कि ये नारियल का लड्डू है। और बस जल्दी जल्दी इसको लड्डू बांध लूँगी। अभी बिल्कुल किचन हमारा फ्रेश है, कुछ भी नहीं बना है, बच्चे नहा रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो लड्डू बना लेते हैं। सबसे पहले भोग बनाते हैं, ताज़ा ताज़ा मैया को भोग लगाते तो हैं। ये देखिए लड्डू बन गया है और माता रानी को नारियल का लड्डू बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं नवरात्रि में जरूर बनाती हूँ नारियल का कोई आइटम। तो यहाँ माता रानी विराजमान हो गई हैं। हमने सपरिवार उनका स्वागत किया, भोग लगाया प्रेम से और उनकी आरती गाई। उसके बाद यहाँ पर बच्चों को थोड़ा मैं कुछ दे दे रही हूँ खाने के लिए। शिवांश ने थोड़ा चाय पिया है हमारे साथ ही और प्रियंका ने दूध पिया है, उसको क्योंकि चाय नहीं पसंद है प्रियंका को। तो यहाँ मखाना और मूंगफली भुन लिया है और थोड़ा यहाँ पे चिप्स पापड़ वगैरह, ये बच्चों को जो है बैठ के ये खा लेंगे। उसके बाद क्योंकि हस्बैंड को जॉब पे भी जाना है, तो मैं जो है यहाँ पे जल्दी जल्दी वो काम भी करती जा रही हूँ, उनके लिए फलहार बना रही हूँ शाम के लिए, उनको पैक करके देने के लिए। साथ ही मैं बच्चों को भी दे दूँगी, बना के रख दूँगी और उसके बाद फिर जाकर मुझे कहीं सुकून मिलेगा। क्योंकि जब बच्चे सहित पूरा परिवार सहित सभी व्रत होते हैं ना, तो बड़ी टेंशन रहती है मुझको। खुद का होता है तो नहीं इतनी प्रॉब्लम होती। और ये कुट्टू का आटा ले लिया है, साथ में मैंने साबूदाना भी गोया था, 3 से 4 घंटे भिगो दिए थे पहले ही, तो वो मैंने भी इसमें शामिल किया है। आलू को मैंने ग्रेट कर दिया है और ये कुट्टू का आटा है और इसको जो है भी मिला दिया है। बकवीट फ्लावर भी बोलते हैं। और वहाँ पे आप देख रहे होंगे पैन चढ़ा हुआ, उसमें मैंने आलू फ्राई किया है। आलू बॉयल उसी समय कर दिया था जब मैंने भोग बनाया था, तो भोग बनाने के बाद आलू चढ़ा दिया था, तो धीरे धीरे अपना आलू भी हो गया। तो साथ साथ ये सारे काम भी करती जा रही थी क्योंकि हस्बैंड को निकलना है अभी जॉब पे और बिल्कुल टाइम नहीं बचा है। 1 मिनट भी नहीं बैठी हूँ आने के बाद से, मशीन की तरह चलती गई हूँ सुबह से। लेकिन बस वही है कि जब तक सब खा पी न लें तब तक सुकून कहाँ मिलना है। तो यहाँ पे मैंने धनिया लिया है, इसमें चिली वगैरह मैंने नहीं मिलाया है, केवल आलू फ्राई जो किया है उसमें चिली मिला दिया है, क्योंकि बच्चे खाएंगे कहीं उनके मुंह में जो है हरी मिर्च ना चली जाए और तीखा लगे। जब कोई ऑप्शन ही नहीं है अभी यही सब खाना है, तो फिर वो उसी तरीके से बनाऊंगी जो बच्चे खा लें अच्छे से पेट भर के। और आलू शिवांश को नहीं पसंद है, तो इसलिए मुझे खासकर ये बनाना पड़ा साबूदाना का जो है बड़े, कि ताकि उसको पता ही ना चले कि इसमें आलू है। इस तरीके से आप इसमें पराठा या पूड़ी भी बना सकते हैं, मतलब पराठा का मतलब है सूखा भी बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा घी तेल अगर आपको नहीं यूज़ करना है तो। बट यहाँ जल्दी था तो मैंने जो है बस फ्राई कर दिया जल्दी से, और बच्चे हैं खाएंगे तो थोड़ा बहुत फैट जाएगा, तो कोई ऐसा नहीं। और यही मैं हस्बैंड को भी पैक करके दे दूंगी, उनका लंच निकाल रही हूँ। तो आलू फ्राई कर दिया है, वड़े रख दिया है और साथ में जो बच्चों को क्रिस्प वगैरह भून के दिया था। अच्छा, ये फलाहारी वाला साबूदाना पापड़ था और फलाहारी वाला ही आलू का चिप्स था,
ये मैं मेरी नंद मेरी दीदी जो हैं वो बना कर देती हैं मुझको। जब भी मैं उनसे जाते समय कह देती हूँ कि बना के रखना, क्योंकि तो यहाँ धूप होती नहीं है उतनी तगड़ी वाली, तो वो बना के रखती हैं फलहार वाला सेंधा नमक डाल के। तो फिर वो मैं ले आती हूँ। तब से ये मैं जब लास्ट टाइम गई थी तो लेकर आई थी, और बस हस्बैंड का पैक कर दिया है। और आपको याद है ये उस दिन मैं कंटेनर लेकर आई थी, ये वही कंटेनर है यहाँ पे, जो छोटा वाला डबल कंटेनर आप देख रहे होंगे। बस उनको अभी पहली बार मैं इसमें आज देने जा रही हूँ। तो बस इसका लाना मुझको सार्थक लगा, और साथ में दो लड्डू भी रख दिया है। और यही था उनका पैक लंच, और आलू थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब रखूँगी, बड़े एकदम से जो है सौगी ना हो जाएं, इसलिए अभी इसको पैक नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे जो है खरबूजा मेलन काट के रख दिया है, और यही क्रिस्प जो बचा हुआ था जो बच्चों ने नहीं खाया था वो क्रिस्प रख दिया है इसके अंदर। अभी ठंडा हो जाएगा फिर पैक कर दूंगी। तो बस ये काम निपटा, उसके बाद फिर बच्चों को भी खाने को दिया। आलू तो नहीं खाया उन लोगों ने, प्रियंका को थोड़ा सा दिया था, मैंने मेरे लिए नहीं बनाया, सिर्फ हस्बैंड के लिए बनाया था आलू, और प्रियंका के लिए बनाया था। देखा आपने, इसको लिया था, ये आज जाके काम आया। इसीलिए समस्त संग्रह कर्तव्यम कह काले फलदायका। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कूड़ा कबाड़ उठा भी रखे रहो, इसको डिक्लेटर करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि सभी चीजों का संग्रह करके रखना चाहिए, किसी भी काल परिस्थिति में आपको वो आपका वो साथ दे सकता है। लेकिन इन सब चीजों का देखो, इसीलिए लिया था, आज ये काम आ गया। देखा, तो यहाँ हस्बैंड का मैंने लंच पैक कर दिया, ऑलमोस्ट उनके जाने का टाइम हो गया है, फ्रॉक वगैरह उनका रख दिया है। और अब मैं दिखाती हूँ आपको स्वास्तिक मेरा, तो देख लीजिए क्लॉकवाइज है स्वास्तिक। और मेरे पास एक कमेंट आया था कम्युनिटी पोस्ट पे कि मैंने स्वास्तिक उल्टा बनाया है, हालांकि मुझसे ऐसी गलती होती नहीं है। मैंने चेक किया आके तो वो तो नहीं, उल्टा तो नहीं मुझे दिखा, लेकिन नारियल जो है उल्टा रखा हुआ था। तो नारियल को मैंने सीधा, के जो आप तीन आइस देख रहे हैं ना, ये आइस अपने सामने होना चाहिए, मैया के सामने पीछे वाला हिस्सा होना चाहिए नारियल का। और आपको मैं पूरा सब जगह जहाँ जहाँ बनाया है मैं दिखा देती हूँ। देख लीजिए, आपने कलश के ऊपर भी मैंने स्वास्तिक बनाया है, और जहाँ मैंने दिया रखा है अखंड ज्योत उसके नीचे भी बनाया है स्वास्तिक। तो ऐसी गलती होती तो नहीं है, बट अच्छा लगा आपने मुझे ये ध्यान कराया। ॐ नमः चंडिकाय यत्कुहं परमं लोकं सर्वरक्षाकरणं यत्र कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहत्तां। ब्रह्मो उवाच, अस्तुतिगोहतं विप्रसर्वभूतोपकारकं देवास्तु कवचं पुण्यं दक्षिणे महात्मने प्रथमं शैलपुत्रीय च द्वितीये ब्रह्मचारिणी तृतीये चण्डघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकम् पंचम स्कंदमाति षष्ठम कात्यायनी सप्तमम कालरात्रि महागौरी चाष्टमम नवमं सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकीर्तिदा उक्ताय तानि नमामि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निनां दाहमनस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विश्वमे दुर्गमेव च भारत ये त्वं स्मरन्ति देवैश्च रक्षेत्तन् संशयः प्रेत संस्था तू चामुंडा वाराही महिषासना इंद्रिय गज समारूढ़ा वैष्णवी गरुणासना महेश्वरी वृषरूढ़ा कौमारी शिखवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेत रूप धरा देवी ईश्वरी वृखवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वभरण भूषिता इत्येतं मातरं सर्वयोगन समन्विता नाना भरणोशोभांगचा नाना रत्नोपशोभिता। हेलो, तो पूजा हो गया हमारी शाम वाली भी, और वही हस्बैंड का लंच वगैरह पैक कर दिया था, वो अपना चले गए जॉब पे, बच्चों को इनाम बना के रख दिया है कि वो अपना भूख लगे तो खाएं। अब हम चले सोने, क्योंकि हम सुबह से जो है नहीं जो रेस्ट किए हैं, और आज तो थोड़ा सा भी नहीं रेस्ट कर पाए, क्योंकि पहला दिन होता है नवरात्रि का, तो विशेष पूजा रहती है और विशेष
टाइम भी लगता है, तो उसके बाद धीरे धीरे नॉर्मल बेसिक सा पूजा अपना रोज का हो जाता है। बेसिक सा भी नहीं कहूँगी, थोड़ा वो कथा का जो अध्याय होता है वो तो पढ़ने में टाइम लगता है, लेकिन वो मैं अपना किसी टाइम में निकाल लूँगी। टाइम जब भी मुझे मिलेगा मैं बीच में कर लिया करूँगी। अब जब तक भी बच्चे स्कूल नहीं जा रहे तब तक कोई ऐसी चिंता नहीं है, लेकिन आज तो आने के बाद तुरंत जो है साफ सफाई किया, पोछा वोछा लगा के और माता रानी के लिए जो है स्थान शुद्ध किया, उसके बाद शावर ली हूँ, उसके बाद जो है सीधे मैया को बिठाला है, उसके बाद से मतलब किचन में आने के बाद वही भोग वोग बनाया, फिर सबने भाव भक्ति से मैया को बुलाया घर पे, और उसके बाद फिर जो हुआ वो आपके साथ शेयर ही किया। तो चलिए फिर अब मैं चलती हूँ, सोऊंगी क्योंकि मेरा नेक्स्ट शिफ्ट भी शुरू होने वाला है अभी नाइट में, तो थोड़ी देर मैं सो लेती हूँ, तो खुद को रिचार्ज भी तो करना है ना। तो यस, और आशा करती हूँ आप लोगों का भी नवरात्रि का पहला दिन अच्छा बीता होगा और आगे भी आने वाला दिन अच्छे से बीते। आप लोग खुशी खुशी से मैया रानी को बुलाए हों, आपकी सब मनोकामना माता रानी पूर्ण करें, बस यही आशा करती हूँ, यही उम्मीद करती हूँ, यही प्रार्थना करती हूँ उनसे, सबके जीवन में खुशियाँ आए। और अच्छा देखो अभी मुझे याद आ गया, अभी मैंने सोचा था कि बात करूँगी तो कह दूंगी, तो आप लोग देखो मिलते हो तो चीज़ें बताते हो तो अच्छा लगता है ना, मिले हो बताते हो अच्छा लगता है। मैं इन चीज़ों का ध्यान रखती हूँ। हुआ क्या कि ये लड्डू के पीछे ये लोग परेशान थे, तो कहीं ये उठा रहे हैं कहीं वो उठा रहे हैं, वो मैं नहीं थी तभी था, मैं किचन में थी तो मैंने सब कुछ कर दिया था और मैंने वैसे ही पूजा भी कर लिया, मुझे एकदम से ध्यान ही नहीं गया कि नारियल जो है उल्टा हो गया है, तो फिर उसको मैंने ध्यान भी नहीं दिया, पिक्चर भी वैसे ही ले लिया मैया का आप लोगों को दर्शन कराने के लिए, और आपने हमें कमेंट करके बताया कि आपने स्वास्तिक उल्टा बनाया है, तो वो देखने में जब वो जो है उसको ऐसे होना चाहिए था, मतलब जो उसकी तीन आइस होती है, तीन आइस आपको जाचक के सामने होना चाहिए और उसका जो पीछे का जो टेल होता है वो मैया के सामने होना चाहिए था, तो बजाय वो ऐसे के वो सीधा हो गया, आइस आई थिंक ऊपर भी नहीं हो गया, आइस नीचे हो गया, तो आपको कोई जो है अपसाइड डाउन कर दे तो कैसा होगा, तो कुछ ऐसा ही हुआ। और मैंने वैसे पिक्चर भी खींच लिया और ध्यान भी नहीं गया, लेकिन जब आपके थ्रू मेरे पास कमेंट आया तब मुझे, मैंने कहा कि पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्योंकि हम लोग स्वास्तिक के नाम से बुलाते हैं, जानते हैं, हमें सिखाया गया, हम हमारे लिए वो नया शब्द था, तो पहले तो मुझे समझ में नहीं आया, उसके बाद मैंने ध्यान से सोचा और मैं जाकर देख रही हूँ कि क्या इसमें गलती है जो मुझे ऐसे बताया, तो मैं इसको थोड़ा सुधार दूँ, यदि मुझसे कोई गलती हुई हो भूल चूक में, तो मैंने देखा तो मुझे दिखा कि स्वास्तिक जो है ऐसे ऐसे हो गया है और वो उल्टा हो गया है, तो एंटी क्लॉकवाइज वो दिख रहा है, शायद क्लॉकवाइज ही बनाते हैं। तो यस आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, इसी तरीके से छोटे समझकर और आपने मुझे जो है इस लायक समझा कि मुझे आप कुछ बताओ, और मुझे कोई माइंड नहीं होता है, बता दोगे तो जो है अगर कुछ चीज़ें मैं नहीं जानती हूँ और आप बता दोगे तो बहुत अच्छा लगता है। आखिर मैंने जाके उसे सुधारा फिर, और मैंने जो है अपनी तरफ जिधर को मैं बैठ के पूजा करती हूँ उस तरफ नारियल का आइस किया और तेल जो उसका था माता रानी के सामने किया, तो अब जो है स्वास्तिक आप देख सकते हैं उल्टा नहीं सीधा ही दिख रहा होगा आपको, क्लॉकवाइज ही दिख रहा होगा। तो और मैंने स्वास्तिक को क्लॉकवाइज बनाते हैं कैसे बनाते हैं, मैंने आप एक जो है शॉर्ट्स भी शेयर किया था, शायद आप लोगों ने शायद पसंद भी बहुत ज्यादा किया था उस शॉट को, तो चलिए फिर इस ब्लॉग का करती हूँ मैं यहीं पर एंड। आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर दीजिएगा, और आपके आने वाले और 8 दिन बहुत शुभ शुभ बीते यही माता रानी से कामना करती हूँ। और अगर मेरे चैनल पर आज फर्स्ट टाइम आए हो, फर्स्ट टाइम देख रहे हो मेरे ब्लॉग को, तो प्लीज़
सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। और बस अपना प्यार अपना आशीर्वाद यूँ बनाए रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू। मैं आपसे जल्दी मिलती हूँ फिर एक नए ब्लॉग में। बाय बाय। जय माता दी, जय श्री राम।